हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे SBT के बारे में। SBT से अगर आपको यूजर आईडी, SBT का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे आप खुद से पता कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको SBT ऑनलाइन गूगल पे सर्च करना है, जैसा कि हमने अभी सर्च कर रखा है। उसके बाद सिंपली जो ऊपर वाला दिख रहा है SBT बिहार, इस पे जाना है। इस पे जाना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको नहीं पता है यूजर आईडी पासवर्ड तो यहाँ पे फॉरगेट करना है। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पे सिंपली डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे करते हैं फॉरगेट। ओके, अब यहाँ पे आपसे दो डिटेल खोज रहा है, एक मोबाइल नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालोगे, कौन सा जो आप कॉलेज में दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दौरान SBT पे जो नंबर आपका रजिस्टर है वही नंबर आपको डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैलेंडर खुल के आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद सबमिट पे जाना है। तो सबमिट करते ही आपका देखिए यहाँ पे लिखा योर लॉग इन क्रेडेलिया आर यूजर आईडी इतना एंड पासवर्ड इतना। जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है सेम होता है, ठीक है। यहाँ से आप अपने यूजर आईडी को कॉपी कर सकते हो और पासवर्ड भी सेम होता है। उसके बाद सीधे आप यहाँ पे जाके आप उस यूजर आईडी पासवर्ड को पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद साइन इन कर लो। ये आपका खुल गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कॉर्नर में एडमिट कार्ड का सेक्शन है, यहाँ पे कॉर्नर में जाना है एडमिट कार्ड पे, और यहाँ पे आप अपना एकेडमिक सेशन अपना सेलेक्ट करना है, एकेडमिक टर्म जो दिया हुआ है। तो एकेडमिक टर्म में यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जो आपका एकेडमिक सेशन है, टर्म है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2021 इवेंट का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम टर्म, अभी आप कौन से प्रोग्राम में हो, कौन सा सेमेस्टर में हो, यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उसके बाद सर्च में जाना है और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड शो कर देगा। अभी शायद इनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड पता करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो आ जाएगा। आई थिंक नेटवर्क इशू है। तो ये देखिए आपका एडमिट कार्ड खुल गया। तो इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिया हुआ है, 3 पेज में दिया हुआ है। तो सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से। कोरोना गाइडलाइन भी दिया हुआ है, कैसे कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन पेपर भी दिया है, ये आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो